वेलकम ऑन माई चैनल एडिशन दीपा। आज मैं आपको ओमिक्रोन के बारे में बताऊंगी, साथ ही कुछ ऐसी डाइट बताऊंगी जिससे आप अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके ओमिक्रोन क्या, कोरोना वायरस क्या, किसी भी वायरस से लड़ सकते बारे में बता दूँ। पूरी दुनिया में एक अभी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है ओमिक्रोन, जो कि कोरोना वायरस का वेरियंट फॉर्म माना जा रहा है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं, मैंने कुछ जानकारी गूगल से, कुछ अपने जानकार डॉक्टरों से बात करके जानकारी ली है, तो मुझे ये बस पता चला है कि ये कोरोना वायरस का म्यूटेंट फॉर्म है। इससे इसके सिम्टम के बारे में अभी कुछ उतना अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन जैसा कि कोरोना वायरस था, हमें कॉमन कोल्ड, हमें चेस्ट में पेन, हमें गंद नहीं आने देता था, ठीक वैसे ही कुछ इसके भी सिम्टम पाए गए हैं जिन लोगों को ये संक्रमण हुआ है। तो क्यों ना हम अपनी इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट कर ले कि ओमिक्रोन हो या कोरोना वायरस हो या फिर उसके और भी वेरिएंट फॉर्म हो, उसका कोई भी असर हमारे शरीर पर ना पड़े, हमारे हेल्थ पर ना पड़े, उनसे हमें कोई नुकसान ना हो। फर्स्ट नंबर है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल स्पेनिश इज अ सुपर फूड। उसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया। ये सारे मिनरल्स विटामिन्स हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, और साथ ही साथ आपके WBC के काउंट को भी इंक्रीज करता है, यानी हमें बाहरी जितनी चीज़ें हैं उसे लड़ने की पूरी क्षमता देता है। सेकेंड नंबर हमारे सुपर फूड्स और इम्यूनिटी बूस्टर्स फूड में शामिल है गार्लिक। हमारे एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होता है, वो ना सिर्फ हमारे WBC को इंक्रीज करता है, बल्कि उन सारे फ्लू, कॉमन कोल्ड हो गया, कोरोना वायरस के जैसे वायरसेस, जैसे भी उनकी वायरसेस को किल करने वाले बॉडी को बहुत हेल्प करता है। तो आप गार्लिक को भी इस विंटर सीजन में आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। थर्ड नंबर है जिंजर। हमारे काउंटडाउन टी लेते हैं, अगर आप ग्रीन टी पीने के बहुत ही शौकीन हैं तो उस ग्रीन टी में आप थोड़ा सा जिंजर डालिए। जिंजर लेमन टी ले सकते हैं, जिंजर तुलसी टी ले सकते हैं, जिंजर लिवांडो एक लीव्स आता है उसको साथ में लेके बॉयल करके आप 1 कप पी सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में ले लीजिए या फिर लेट इवनिंग ले लीजिए, कभी भी लीजिए, पर लीजिए जरूर। इससे आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट होगी और आपको तरह तरह के फ्लू वायरसेस से ये बचने में हेल्पफुल है। फोर्थ नंबर में मिल्क आता है। मिल्क इज़ अ सुपर फूड, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, साथ ही प्रोटीन, कैल्शियम का बहुत रिचेस्ट सोर्स है। जो ये मिनरल्स और विटामिन हमारे मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। जो ये मिनरल्स और विटामिन हैं हमें वायरसेस एंड फ्लू से लड़ने की कैपेसिटी आपके हमारे सुपर फूड में फिफ्थ नंबर है टर्मरिक। टर्मरिक एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी नेचर होता है, जो हमारे सेल्स के इंफ्लामेशन को रिड्यूस करके हमारे WBC के काउंट को भी बढ़ाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो आप चाहे तो दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं, या फिर आप सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं, सूप में 1 पिंच ऑफ रॉ टर्मरिक ले, उसे बॉयल करके ले सकते हैं। दिस इज़ अ कोल्ड फॉर योर हेल्थ, और ये कोल्ड से हमें बचाता है। सिक्स नंबर है ब्रोकली। ब्रोकली रिसोर्स ऑफ आयरन, विटामिन B6, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटासियम, दे आर हेल्प टू इंक्रीज आवर WBC काउंट एंड फाइट अगेन द फ्लू वायरसेस। सो प्लीज़ आप 1 बाउल ब्रोकली बॉयल करके कभी भी ले सकते हैं, मॉर्निंग में हो गया या फिर लेट इवनिंग हो गया। 7 नंबर है एग। एग इज़ अ सुपर फूड। एग प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स भी है, और साथ ही साथ इसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। सारे विटामिन और मिनरल्स लगभग पाए जाते हैं, जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। साथ में मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है, और फॉस्फोरस पाया जाता है, राइबोफ्लेविन, थायमिन, ये सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, जो हमारे WBC काउंट को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ फ्लू वायरसेस जैसे बैक्टीरिया और माइक्रोब से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी को देता है और हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अगला
अगर आप फिश और मीट ले सकते हैं और लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दे आर दिस इज सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, दे बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। सो प्लीज़ आप इन्हें भी अपने डाइट में इंक्लूड। एक नंबर जो हमारे फूड डाइट में हमारे शामिल है वो है एप्पल। एप्पल अगर आप रोज लेते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से वो प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे इसेंशियल्स, मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जो आपकी WBC के काउंट को बढ़ाता है, आपके फ्लू वायरसेस से लड़ने में आपकी इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है। तो प्लीज़ टेक एप्पल। हमारे चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।